हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला। तो आज क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? तो यार अभी का सीन है, अभी हम जा रहे हैं कटिंग करवाने। ये बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, तो हमने कहा थोड़ी इनकी मरम्मत करा ले। कल के व्लॉग में भी हम जा रहे थे कटिंग करवाने, पर हम नहीं गए। इस वजह से नहीं गए क्योंकि यार कल रश बहुत ज़्यादा था जिस लोन में हमने जाना था। तो अभी का सीन ये है कि आज तीसरा रोज़ है और कल मोस्ट प्रोबेबली ईद है, तो इस जून का भी कुछ करना पड़ेगा। तो चलते हैं कटिंग करवाने। मैं बिलाल का वेट कर रहा हूँ, बिलाल आ रहा है दोस्त के फ्लैट से, उसको पिक करते हैं। हाँ, पीछे हमारी मुख्तरम गाड़ी गर्म हो रही है, गाड़ी गर्म हो रही है, तो बस ये भी गर्म हो ले, इतनी देर में बिलाल आ जाएगा और फिर हम जाएंगे कटिंग करवाने और आपको साथ ले कर चलेंगे। तो बिलाल आ गया और अब हम जा रहे हैं सलोन वाली साइड पर, ये रास्ते में और सईद हमें वहाँ पे ड्रॉप करेगा और सईद कोई काम है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जाएगा। बस यही सीन है, सलोन चलते हैं, कटिंग वगैरह कराते हैं, अच्छे का भी कुछ करते हैं। बस यही सीन। अच्छा, हम आ गए हैं सलोन के बाहर, ये है AJ ब्यूटी सलोन और अभी चलते हैं अंदर। अंदर फिर आपको इसका सीन दिखाते हैं क्या सीन है। ये सईद भी काफ़ी देर से वेट कर रहा है, बिलाल की कटिंग हो गई थी, मैं रह गया था पीछे। तो मैं आ गया फ्लैट और अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद हम भी चलेंगे इफ्तारी पे। अभी आप सो रहे हैं, 6-2 घंटे पड़े हैं, इजी सीन है, तो चलते हैं इफ्तारी पे। तो मैं हो गया हूँ भाई साहब रेडी फुल टिप टॉप और अभी हम जा रहे हैं इफ्तारी पे। और इफ्तारी पता है किसकी तरफ से है? हमाद और हाली, जिनको मैं पता छेड़ता रहता हूँ वीडियो में कि यार तू कब करवा रहा है, खालिदा हमादा, तो उनकी तरफ से आज इफ्तारी। तो वहाँ भी चलते हैं उनके फ्लैट पे, उनका फ्लैट बिल्कुल 2 इशारे पास है, मतलब 2 इशारे आगे बिल्कुल पास है। तो बस चलते हैं, मैं सईद का वेट कर रहा हूँ, सईद साहब आएँ। अब मैं सईद का वेट कर रहा हूँ, सईद साहब आएँ तो फिर हम चलें। और बाकी गाड़ी तो ये खड़ी है और गाड़ी गर्म ही है क्योंकि अभी तो ले कर आए हैं 1/2 घंटे पहले। तो बस चलते हैं, फिर सईद आता तो निकलते हैं। खालिद रिसीव करने आया है नीचे। क्या हाल है हमारा? ठीक है भाई, मजेदार। तो यार इफ्तारी वगैरह हो गई, इफ्तारी यार बहुत मजेदार थी। तो थैंक यू यार हमारे खालिद भाई, आपका भी। और भाई आपकी तरफ मैं आऊंगा, आपकी वो बिरयानी की रेसिपी लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी थी यार वो मैं रोज याद करता हूँ। तो सैरी वगैरह हो गई है, अभी हो रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में चांद रात का इवेंट है और आज चांद रात है, सबको चांद रात मुबारक मेरी तरफ से। और अभी मैं फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ, ये गाड़ी भी पीछे खड़ी है और बिलाल और हनिया आ रहे हैं ऊपर से, उनको लेके फिर चलते हैं हम यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी जाके फिर आपको सीन दिखाते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या सीन है। आज ही मैसेज आया कि चांद रात का इवेंट है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो हम आ गए यूनिवर्सिटी, ये माहौल चेक कर सकते हैं, ये बिलाल है, ये फनान है, तो पूरा माहौल यहाँ तो वैसे पूरा माहौल बना हुआ है, हमें आइडिया नहीं था कितना माहौल हो। तो यार हम आ गए हैं हॉस्टल और आज है चांद रात और आप देख सकते हैं आयुके ने अभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। ये है वाली स्टाइल, आप देखिए मेरे स्टाइल में। सो वी आर नाउ इन हॉस्टल, हम हॉस्टल को ना मैं किसी को और को आने नहीं दूंगा, हम आगे से करेंगे। ओके, तो हम यार सारे नजर आओगे, हम आ चुके हॉस्टल और यहाँ पे आज चांद रात का फंक्शन है क्योंकि 30 रोजे रखे, उसके कोई ना कोई रिवॉर्ड तो होना चाहिए। रिवॉर्ड इस सूरत में मिल रहा है, 30 रोजे रखे। ओवर स्मार्ट, ये दिखाओ इनकी शक्ल, ये ओवर स्मार्ट। ओके, तो ना हाँ चिड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सही प्रॉपर रोजे रखे, 30 रोजे पूरे किए, उसका रिवॉर्ड है हमारी यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन है, ये ओपन डे क्योंकि इसमें परफॉर्मेंसेस कम है और ज्यादा फोकस होगा शुगर पे और एंजॉयमेंट। और उस साइड पे हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूजिक लगा हुआ है। और सदे भाई आप सुनाए, आप ठीक है? हमारी वीडियोस मिलियंस कमाती है तो फिर किसी और को शेयर देना पड़ेगा, तो इसलिए हम मिलियन डॉलर्स की बात हम किसी और को हिस्सा नहीं देना चाहते, तो हम वहाँ भी नहीं क्योंकि इस बात का मैं प्रूफ देता हूँ, जो दो ब्लॉगर है हमारी यूनिवर्सिटी के अच्छे वाले ना, दोनों के पास गाड़ी है। I'll take it as a compliment. दूसरा ब्लॉगर आप नहीं हो, गाड़ी मेरे पास है ना, मेरी बात कर रहे हैं। ओके फिर यार उधर जाके मिलते हैं, उधर जाके मिलते हैं। तो यार अभी इस साइड पे लड़कियां बैठी हैं और इनको मेहंदी वगैरह लगाई जा रही है, उसके भी आपको क्लिप्स दिखाते हैं।
से वो पूरा शो चल रहा है। तो अभी बिलाल की परफॉर्मेंस, फर्स्ट पे बिलाल की परफॉर्मेंस है। बिलाल नर्वस हो के? नहीं। अब बिलाल कौन सा गाना? पसूड़ी। पसूड़ी गा रहा है क्योंकि हमने वेलकम पे इसको बोला था पसूड़ी गाए। आप कौन सा गाना है? वो गाऊं पहले? वो गाऊं पहले? पहले पसूड़ी ना गाए, वो दूसरा मिडिल में, अभी बंदे नहीं आए। वो मिडिल में दूसरा गाना है ना, जो ये वाले भाई को डेडिकेट किया। ठीक है, मुझे डेडिकेट कर दो, मसला नहीं है। लेकिन है कौन सा वाला? तेरा घाटा। और इसमें एक रीजन है, इसमें बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या आप बताएं? रीजन उसी का गाता है, उसी का गाता है। समझने वाले समझ जाए, समझ जाओ इस बात को। ओके, आने जाने की पसूरी जहर बने योदी चूरी रवाच बाबा चाबी ना प्लीज। आयु के वालों, एक बार फिर से आयु के वालों, आरएमयू वालों, अलातू वाले, तमाम हसीनों के नाम। शायर कहता है, मैं अक्सर उसे कहता हूँ तुम शोर बहुत मचाती हो, तब वो मुझसे कहती है जब तलाई तुम मेरी पकड़ोगे। ऐसे अगर किसी के पास पायल है तो वो लेके आए, उसको इनाम मिलेगा। अगर किसी ने इनाम लेना है तो वो पायल लेके आए। ये ने पिंक कपड़े पहने हुए, ये बच्चा तो यार अभी होने लगे हैं फायर वर्क्स। इस टाइम पे फायर वर्क शुरू होने वाला है। आप तो ग्राउंड से आगे जगह है, वहाँ पे फायर वर्क शुरू होने वाला है। आगे आगे ना है, लेकिन तो फायरवर्क्स होने लगे हैं उस साइड पे। फिर आपको दिखाते हैं फायरवर्क्स होने लगे हैं उस साइड पे। बाकी परफॉर्मेंसेस आप सबने देख ली। ये तीज को देखें यार, ये एशियन से आया है, गांव से। बड़े धोखे मेनु मिले सी, जिन्होंने बुलाया उन्होंने गिले सी जमीर तुसी बेचते हो हरे नोटा पिछे किन्ने स्टूडेंट बुलाए रहते किन्ने पिछे फंक्शन वगैरह खत्म हो गया। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। साथ भाई ने क्या गाना गाया यार, और अशद भाई बिग फैन ब्रो, बिग फैन, थैंक यू। तो बस फंक्शन खत्म हो गया, फिर आपको बस यही सीन है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब बोला नहीं जा रहा मेरे से, और आवाज़ फुल काम खराब हो चुका है। तो बस यही सीन है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।